नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रयागराज में हुई हिंसा की जांच जब शुरू हुई तो हिंसा की सारी तस्वीर साफ हो गई। जैसे कानपुर दंगे के तार राजनीति से जुड़े थे, वैसे ही प्रयागराज का दंगा भी राजनीतिक आकाओं के इशारों पर हुआ था। AIMIM और सपा से इस दंगे के तार जुड़े थे। AIMIM और सपा के 5 नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं और अब जल्द ही बाबा का बुलडोजर काम पर लगने वाला है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज हिंसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए योगी सरकार, AIMIM और सपा के नेताओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। दोनों पार्टियों के 5 नेताओं का नाम प्रयागराज हिंसा मामले में नामजद है। इनमें AIMIM के जिलाध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जीशान रहमानी, सपा के पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी है। इन सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी है। CRPC की धारा 82 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन पहले अनुमति लेकर नोटिस जारी करेगा और उसके बाद कुर्की की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे। वहीं कानपुर और प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर बताया कि ये कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर कर यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। इस संबंध में ही राज्य सरकार ने ये हलफनामा दर्ज कर संगठन के आरोपों को गलत बताया और कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की है। सरकार ने बताया कि कानपुर और प्रयागराज प्रशासन ने उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1972 के तहत ये कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद के आरोपों को लेकर कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। कानपुर हिंसा में एक और उपद्रवी की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या 58 हो गई है। वहीं अब ED भी इस मामले में सक्रिय हो गई है और हयात जफर समेत 8 मुख्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का अंजाम सब जानते हैं। बावजूद इसके भी AIMIM और सपा के नेताओं ने सीएम योगी की छवि को दागदार करने की कोशिश की। अब सरकार की तरफ से उन्हें इसका इनाम दिया जा रहा है। पहले तो गैर जमानती वारंट जारी हुआ और अब बारी है बुलडोजर की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।